हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज एक अखौती खालिस्तानियों से गलबात करनी है जो कैनेडा सरी दे विच हरदीप सिंह निजर का कतल होया। ये हरदीप सिंह निजर वह बंदा है जिहड़ा गुरपतवंत सिंह पन्नू का खालिस्तानी होने के नाते कारोबार संभालता सी, जाने कि जिहड़ी मूवमेंट दा इहनू मोढ़ी मन्निया जांदा है। हुण इन्होंने फटाफट इल्जाम लाए कि इंडियन एजेंसी ने उहदा कतल कीता है, वॉन्टड सी, 10 लाख का कहिंदे इनाम रख्या होया सी। मैं दो तीन सवाल करने ने, दर्शक भी सुनियो ध्यान दे नाल, इह अखौती खालिस्तानी भी सुन। सब तो पहला ये दसो कि तुसीं जदों फॉरन कंट्री में जाने हो, तुसीं अपने रुजगार लई जाने हो जां खालिस्तान बनाउण लई जाने हो? जे तो थोड़ा जवाब यह हैगा कि असीं खालिस्तान बनाने वास्ते जाने, फिर इंडिया दे विच क्यों नहीं बनाउंदे? फॉरन कंट्रियों में जाके, अमेरिका, कनेडा, इंग्लैंड में जाके गंद क्यों पाउंदे हो? हुण दूसरा सवाल मेरा यह है, जे इंडियन एजेंसी ने मरवाया है तो तुसीं गंद इंडिया में पाउंदे सी, तुसीं वॉन्टड सी, तुसीं ब्लैकलिस्ट में हैगे हो, तां तुहानूं एजेंसी मरवा सकदी है। दूसरी गल, तुसीं इंग्लैंड जां कनेडा विच बैठे हो, ब्रिटिश राज हैगा उत्थे, जिहड़ी हुकूमत अंग्रेजी है, वह इंडिया दे विच राज करन वाले बंदे, इंडिया दे विच राज करके गए ने। जिहड़े बंदे तुहानूं इंडिया विच गंद नहीं पाउण दिंदे सी, वह अपणियां कंट्रियां विच तुहानूं गंद किद्दां पाउण देणगे? उन्होंने अपनी कंट्री का जिहड़ा गंद है, गंदगी साफ करनी है, मरवा सकदियां ने। अगले तुहानूं अपनी कंट्री विच गंद क्यों पाउण देणगे? ये तुसी सोच के समझ के अपने आप नूं देखियो कि असीं कित्थे खड़े हां। एक होर सवाल मैं कर दिंदा, रुपदमन सिंह मलिक जिहड़ा उहनूं कनेडा दे विच कुछ समां पहलां कतल कीता गया सी, उहदे अफवाहां आईआं सी कि रुपदमन सिंह दा जिहड़ा कतल है वह हरदीप सिंह निजर दे बंदे ने कीता है। ये सच्चाई सी जां अफवाहां सी? मैं कहते इल्जाम नहीं ला रहा, एक जैलसी की गल कर रहा जी, साड़ी कौम के अज भी चल रही है। जब तुम भिंडरांवाले मूवमेंट की गल करोगे उदों भी यह होया, जिहड़े बंदे शब्द की कलम की गल करते, जंग की गल करते, उन्होंने बंदियां दे विचारक मतभेद उदों भी है, उन्हां दा भी उस वक्त कतल होया ते हुण भी हो रहा। यह जैलसी कितने ना कितने शक की सूई हैगी है। जे रुपदमन सिंह मलिक दे बंदे ये कह सकते हैं कि हरदीप सिंह निजर दे बंदे ने कतल किया है रुपदमन सिंह दा, तां फिर अज ये भी शक की सूई जाती है कि हो सकता है जैल्स पिछे रुपदमन सिंह दे बंदियां ने हरदीप सिंह निजर दा कतल किया होवे, यह हो सकता है। एक होर बेनती कर दिना, तुहानू हक किने दे दिता कि तुसीं फॉरन कंट्रियों में जाके खालिस्तान की मंग करो, तुसीं गंद पाओ? ये कदे भी नहीं हो सकता। जिहड़ी ब्रिटिश सरकार साढ़े इंडिया ते राज करके गई है, जे वह इत्थे राज कर सकते हैं ना, इत्थों का सब कुछ लुट के लिजा सकते हैं, कोई नूं हीरे वर्गे नूं इत्थों लिजा सकते हैं। मैं एक बेनती कर दिना, उन्हां कंट्रियों विचों तुहानू कढ़ना उन्हां लई बहुत सौख है, तुहानू डिपोर्ट कर सकते हो। जिहड़े फॉरन कंट्रियां दे वसनिंदे, खास करके सिख भाईचारा नूं बेनती कर दिना, इन्हां अखौती खालिस्तानियों के पिछे लग के तुसीं गौरमेंट दे नाल जां उन्हां कंट्रियां दे विच गंद ना पाओ, क्योंकि इन्हों का जाना कुछ नहीं, इन्हों का बहुत बड़ा कारोबार है। हुण जिहड़ा हरदीप सिंह निजर है, ये पलंबर का काम करता सी, डोंकी ला के गया कनेडा दे विच, ब्लैकलिस्ट विच बंदा हैगा सी, इंडिया ते आ नहीं सकता सी। हुण जिहड़ी ये गुंडागर्दी फुकरापणी करदे सी, उहदा रिजल्ट किते ना किते तां आउणा ही आउणा। खास करके जिहड़े स्टूडेंट साडे इत्थे इंडिया तों जांदे ने, उह इह कह के जांदे ने कि इंडिया दे विच असीं सेफ नहीं हैगे, इत्थे रुजगार नहीं हैगा, असीं अपने फ्यूचर दे लई फॉरन कंट्रियों में जा रहे हैं। तो उन्होंने किते ना किते थोड़ा जिहा दिमाग वरतण दी लोड़ है कि इन्हां अखौती टकसालियां दे खालिस्तानी दे पिछे लग के असीं अपना जीवन, अपना आने वाला फ्यूचर किते धोखे विच ना पा लईए, किते असीं अपने आप नूं गलत थां ते ना खड़े कर लईए। ये थोड़ा जिहा समझण दी लोड़ है। हुण
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਮੋਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲਊ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਰੜਕਦਾ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਝੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਡੌਂਕੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇਖੋ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-25-30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 3-3-4-4 ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝੂਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਚੂਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਪਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।